मेरा नाम है चांद पाशा सिद्दीकी। आपका ये जो बिजनेस है ये कितने सालों से है? मेरा बिजनेस ये आज नहीं भी बोले तो 15-20 सालों से मेरा शूज़ का बिजनेस है। ये आज फर्स्ट टाइम पहले दिन आपने दुकान खोली है, तो आप क्या महसूस कर रहे हैं? मैं महसूस ये कर रहा हूँ कि मेरी आज 50 साल की उम्र है। मेरी 50 साल की उम्र में जो है तो ये फर्स्ट टाइम ऐसे हालात आए, और जो है तो हमारे खासदार साहब ने ये जो डिसीज़न लिए, ये डिसीज़न बहुत अच्छा है कि एक दिन उधर की दुकान खोलना, एक दिन इधर की दुकान खोलना, और हालात ऐसे है। और मैं लोगों से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई डिस्टेंस का, मास्क का ख्याल रखे, थोड़ा एहतियात बरते इस बीमारी से। आपका जो बिज़नेस है पूरा रमज़ान का पूरा ऐसे ही बंद में चले गया, तो आपको क्या तकलीफ हुई? रमज़ान का बिजनेस जो है तो हर व्यापारी जो है तो साल भर का पूरा जो है तो कोठा पूरा करता है, मगर इस टाइम ये हालात के वजह से रमज़ान का मेरा नहीं, हर व्यापारी का बहुत ही लॉस हुआ है और बहुत ही परेशानी हुई। ये कभी आपने ऐसा बंद का दौर देखा है? नहीं, मेरी 50 साल की उम्र में तो मैंने कभी ऐसा दौर देखा नहीं। बाकी हालात देखा मैंने, 2-4 दिन ऐसे कभी कोई राइड्स होते थे, कभी कोई बंद होता था, कुछ होता था। बाकी मेरी लाइफ में मैंने ऐसा 2-3 महीने कभी देखा नहीं। मैंने ये 2.5 महीने आपके कैसे गुजरे? बहुत बहुत परेशानी के गुजरे ये 2.5 महीने। मेरे नहीं, पूरे औरंगाबाद के और पूरे जो है तो वर्ल्ड के जो है तो हालात बहुत बेकार गुजरे हैं और बहुत परेशानी के निकले यार। रमज़ान के महीने में जो आपका जो कारोबार का सिलसिला बहुत उरूज पे रहता था, तो आपने कुछ इसमें माल वगैरह स्टॉक करके रखा था? माल वगैरह स्टॉक करके रखा था, और जो है तो व्यापारियों को भी कुछ जो है तो ऑर्डर दिया हुआ था, कुछ माल रमज़ान का आ चुका था, वो भी एक नुकसान हुआ। फिर अभी आपका फर्स्ट दिन है, पहला दिन है, आपकी दुकान आज खुल गई है, आपके जो सामने की शॉप्स है वो पूरे बंद हैं, तो आप क्या महसूस कर रहे हैं? नहीं, हम तो ये महसूस कर रहे हैं कि सब एक ही साथ खुलना, क्योंकि एक दिन उधर और एक दिन इधर तो पब्लिक भी जो है ना कंफ्यूज हो रही है। और हालात ऐसे है कि मेरा बिजनेस हुआ तो सामने वाला देख रहा, सामने वाले का होगा तो हम देखेंगे, खाली खड़े रहेंगे तो कोई मतलब नहीं आता। कि बेहतर ये है कि मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि भाई खासदार साहब से भी खासतौर से रिक्वेस्ट है, पुलिस कमिश्नर से रिक्वेस्ट है कि पूरा मार्केट ही ओपन करें। शेख सोहेल असरा ज्वेलर्स सराफा बाजार औरंगाबाद। ये आपकी दुकान कितने दिनों से बंद थी? हमारी तकरीबन 66 दिन हो गए सर। 66? हाँ, 20 मार्च से बंद थी। व्यापारी महासंघ की जो हड़ताल थी, एक दिन व्यापारी की तरफ से बंद था पूरा। ये 66 दिन आपके कैसे गुजरे? बहुत कठिन गुजरे, बयां नहीं कर सकते हम। क्यों? क्योंकि कारोबार बंद था, इसलिए। तो आप मैसेज क्या देना चाहेंगे अवाम को? अवाम का वो जो हालात हाजरा था वो अपने तरफ से नहीं था, जो भी है जैसा भी है सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से लेके चलना है। हर एक को 2 गज की दूरी बनाते हुए कस्टमर वगैरह करके अब एक नई से ज़िंदगी अपनी चालू करना है। आपके कारोबार पर कितना असर पड़ा? बहुत असर पड़ा, बयां नहीं कर सकते। 66 दिन में सारी चीज़ें थी। आपका बिजनेस तो समझो ज्वेलरीज का है, तो आपको तो ऐसा कोई असर पड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। नहीं तो हमारे लिए मेंटेनेंस है ना, सारी चीज़ें माल का है, व्यापारियों का पेमेंट का रहता, रेंट का मसला है, खर्चे है, हर एक चीज़ है, हर एक चीज़ आपको बता नहीं सकता। पहले दिन आपने आज दुकान खोली जी, तो आप क्या फीलिंग महसूस कर रहे हैं? अच्छी फीलिंग कर रहे हैं कि भाई 66 दिन तक जो हमारे ये मसला मतलब खाली जो थे तो उसमें दिल वगैरह लग रहा नहीं था। अब थोड़ा सा ऐसा लग रहा कि उम्मीद आगे इंशाल्लाह हालात अच्छे होंगे, अल्लाह की दास से उम्मीद है। तो आपके गिराकी शुरू हो गई है? हाँ, एक एक दो दो ग्रेक आ रहे हैं अभी धीरे धीरे, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अभी आप असरा ज्वेलर्स पे ज्वेलरीज खरीदने के लिए आए, तो आप कितने दिन के बाद मार्केट में निकले? 2-2.5 महीने के बाद।
तो 2-2.5 महीने से आप घर पर क्यों थे? ये लॉकडाउन की वजह से, कोरोना वायरस के। तो अभी आप क्या खरीदी करने के लिए आए हैं? हमारी शादी डिले हो गई थी, इसीलिए 12 तारीख की शादी है, वो शॉपिंग के लिए निकले आ रहे हैं। अच्छा, तो इसके बाद आप और क्या क्या चीज़ें खरीदने वाले हैं? अभी यहाँ से निकल के हमको जो है तो हल्दी मेहंदी ये सब लेना है। अच्छा, सब लेना है। हाँ। यानी आज ही आप खरीदी करेंगे क्या? आज ही करेंगे, क्योंकि 2-3 दिन के बाद हमारे पास शादी स्टार्ट हो गई। अच्छा, तो अभी आप इतने दिन से घरों के अंदर बंद थे। हाँ। तो आपने कैसे महसूस किया अपने आप को इतने दिन बंद रखना? हमको तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब ये क्या होने वाला है। हर दिन एक नया डर महसूस होता था। क्या डर महसूस होता था आपको? ये बीमारी ज़्यादा बढ़ तो नहीं जाएंगी, इसलिए बस हर दिन नया डर महसूस होता था। तो आपने कुछ दुआएं वगैरह करे कि नहीं इस बीमारी की तो जाने के लिए? लॉकडाउन में शायद ज़्यादा ही इबादत हुई ना, तो सादे टाइम में तो अभी चौक में इधर उधर टाइम पास हो जाता था। तो आपने दुआएं करे हैं? हाँ। तो क्या दुआ की आपने? आपके रमजान भी हमारे अच्छे से गुजरे, आदमी भी सब घर पे थे, तो सब रोजे वो सब भी पूरे। सर, आपका पूरा नाम? मोहम्मद तौफीक रज़वी। ये आपकी शॉप का क्या नाम है सर? अपना फुटवेयर। ये कितने सालों से है? ये लगभग 1990 से है सर, 30 ईयर्स हो गए। ये आप आज पहली बार दुकान खोले हैं कई महीनों के बाद, तो आपको मार्केट कैसे दिख रहा है? खुशी से महसूस हो रही है सर, खुला है बोल के। मेरा कुछ अपील है कि भाई ज़रा मास्क वगैरह लगा के निकले, थोड़ा एहतियात बढ़ती है, तो इंशाल्लाह ये नौबत नहीं आएगी बंद करने की। ये आपकी दुकान को कितने साल हो गए कम्प्लीट? 30 ईयर्स हो गए सर। तो आपने कभी ऐसा नज़ारा देखा है कि इतने दिन कभी दुकान बने? नहीं, आज तक तो नहीं देखा सर लाइफ में, सो उम्मीद भी करता हूँ आगे देखने भी ना मिले। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं अवाम को जो मार्केट में खरीदी के लिए आ रहे हैं? यही लगा मैसेज देना चाहेंगे कि भाई थोड़ा एहतियात बरतिए, मास्क वगैरह लगाइए, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिए, तो इंशाल्लाह ये जल्द से जल्द ख़त्म हो जाएंगे। भाई साहब, आपका पूरा नाम? जी, मेरा नाम शौकत अली मोहम्मद याकूब। ये मेरी दुकान का नाम करिश्मा क्लॉथ सेंटर, सराफा रोड सिटी चौक में है। ये कितने दिनों के बाद आपकी शॉप आज खुली? 22 मार्च के बाद समझो बंद, 22 मार्च से बंद हुई थी, तो आज जो है ये 5 जून को खुल रही, समझो 2-2.25 महीने के बाद दुकान खुल रहे हैं। आज आपने सुबह दुकान खोले, तो आप अभी क्या महसूस कर रहे हैं इस वक्त? भाई बस ये तो अल्लाह का शुक्र है कि भाई जैसे तैसे जो है इतने दिनों के बाद जो है दुकान खुली। बहुत सारे बच्चे हमारी दुकान पे आते हैं, जिन लोगों के यानी कारोबार हमारे साथ लगे हुए हैं, अब खुला है। इंशाल्लाह ये उम्मीद है कि भाई ये जो है जल्द से जल्द जो है लोगों की माशियत भी सुधरेगी इंशाल्लाह। ये कभी ऐसा वाकया हुआ आपका या आप इतने दिन दुकान बंद रखे थे? नहीं, मेरी मुझे तो कोई याद ही नहीं है, और किसी से आज तक सुना भी नहीं कि मैंने इतने 2-3 महीने दुकान बंद होना, ये तो बिल्कुल मैंने कभी नहीं होने वाली चीज़ हुई है। अभी क्या मैसेज देना चाहते हैं आप पूरी अवाम को, क्या मैसेज देना चाहते? बस ये कि भाई बहुत ज़रूरत हो तो ही घर से बाहर निकले और एहतियात करें, एहतियात का पहलू इख्तियार करें, है ना। बुखार ने कहा है कि इलाज से बेहतर परहेज है, इलाज से बेहतर परहेज है, तो जितना एहतियात हमसे हमें बताया जा रहा है उसका एहतमाम करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के मदद के काम आने की कोशिश करें। हमारा दीन दूसरों को राहत पहुंचाने का नाम है इस्लाम। अभी एक हुक्म जारी हुआ कि एक दिन आपकी दुकान ये साइड खुले रहेंगे, एक दिन सामने की दुकान खुले रहेंगे, तो इससे आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? नहीं, ये मुझे ये जो हुक्म है ना, इसमें मैं थोड़ा सा मुझे इश्काल है कि ये उसको पूरी तरह ओपन कर देना चाहिए। कम वक्त के लिए खोलने से भीड़ ज़्यादा बढ़ती है, और ज़्यादा वक्त खोलने में भीड़ का प्रेशर कम होगा। अगर आप भीड़ कम करना चाहते हैं तो इसको ज़्यादा देर खोलने में ही जो है मुनासिब है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल कय्यूम है। मेरी नरगिस कलेक्शन, नरगिस मेगा सेल सिटी चौक में कपड़े की दुकान है। और जो है तो अभी ये लॉकडाउन ख़त्म हुआ है, लॉकडाउन का आज पहला दिन है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है पूरे गवर्नमेंट के जो जितने भी गाइडलाइंस है, सोशल डिस्टेंसिंग का, सैनिटाइज़र का, मास्क का, ये सब गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए हमने आज पहला दिन चालू करे हुए अल्हम्दुलिल्लाह।
बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। अब जो हो गया, अभी बीमारी आई थी, बीमारी चली भी जाएंगी इंशाल्लाह। अभी आज 66 दिन बाद हम लोग दुकान खोले, अभी इंशाल्लाह जो समय आया है उसको तो हमको फेस करना ही है। इंशाल्लाह उसको फेस करते हुए हम लोग आगे निकल जाएंगे। जैसे कि हमारे माननीय चीफ मिनिस्टर साहब श्री उद्धव जी ठाकरे ने बताया है कि बिगिन अगेन, तो हम लोगों ने उनकी बात को बहुत पॉजिटिवली लिया है। और उसी तरीके से हम जो है बिगिन अगेन में पूरे गवर्नमेंट के जितने भी गाइडलाइंस है वो सबको फॉलो करते हुए हम दुकानदारी चालू रखेंगे। और हम जो है हमारी दुकानों को, हमारे बिजनेस को चालू रखेंगे बिल्कुल इंशाल्लाह, और गवर्नमेंट का पूरा पालन करेंगे। और कस्टमर्स को हम सर्विस देंगे। हम जो हमारा जो टाइम है ऑड और इवन टाइमिंग्स जो है, वो टाइमिंग को हम ऑड इवन टाइमिंग है सुबह 9 बजे से 5 बजे तक। ये आपकी शॉप कितने सालों से है? ये हमारा नरगिस कलेक्शन, ये 1957 का शॉप है हमारा। मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर बैठते थे या मेरे फादर बैठते थे, अभी हम लोग बैठते हैं। ये हमारा फोर्थ जनरेशन है। ये आपके फोर्थ जनरेशन के अंदर कभी ऐसा वाकया हुआ कि 66 दिन कंप्लीट दुकान बन रही? नहीं नहीं, ऐसा तो अल्हम्दुलिल्लाह कभी नहीं हुआ। ना 68 के रॉइट्स में हुआ, ना 92 के रॉइट्स में हुआ। ये पहली बार इतिहास के अंदर ऐसा है। हमारे पिताजी बताते, हमारे वाली साहब बताते कि उनकी लाइफ का ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है कि इतने दिनों तक दुकानें बंद थी और इतने दिनों तक लोग घर पे बैठे थे। रमज़ान के दिनों का सीज़न पूरा आपका चले गया हाथ से, पूरा महीना दुकान बंद थी, तो आपके अंदर क्या फीलिंग थी? भाई फीलिंग का तो क्या है, अब इंशाल्लाह अल्लाह के तरफ से ये वबा थी कि कोरोना वायरस जो COVID-19 है। भाई औरंगाबाद में अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी बहुत कम है दूसरी सिटी के मुकाबले। औरंगाबाद के प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया, सिटी पुलिस ने बहुत अच्छा काम की, और ये गवर्नमेंट की बहुत अच्छी इसके अंदर तवज्जो थी। वो हिसाब से औरंगाबाद में इतना नुकसान नहीं हुआ है दूसरे शहरों के मुकाबले। तो अल्हम्दुलिल्लाह नुकसान तो हुआ है, हमारा बिजनेस का काफ़ी नुकसान हुआ है, मगर इंशाल्लाह हम लोग आगे कमा लेंगे। अभी जो ख़वातीन हैं या जो अवाम जो ख़रीदी के लिए आ रही है, तो आप क्या मैसेज देंगे? भाई हम हमारे ग्राहकों से ये हमारे रिक्वेस्ट है और उनसे ये हमारी अपील है कि भाई आप लोग डरिए मत, आप बिल्कुल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के हिसाब से मार्केट में आइए, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखिए। और हमारे पास में हर चीज़ की सुविधा है, सोशल डिस्टेंसिंग भी हमारे पास में, सैनिटाइज़र भी है। और किसी के पास मास्क नहीं है तो हम हमारे तरफ से मास्क देते हैं उनको। और हम लोग जो है कैश काउंटर पे भी सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करते हैं, और कस्टमर्स के सामने भी हमारे स्टाफ जो है वो मास्क लगा कर ही बैठते हैं।